तो भैया और बहनों, कुल मिला के आ चुके हैं हम नई वीडियो में। सही बोलूँ ना? हाँ ठीक है। तो इस वीडियो में हम खेलेंगे काउंटर स्ट्राइक और थोड़ा पीरो के खेलेंगे, क्योंकि रिकॉर्डर और गेम की सेटिंग के साथ लग लग के मुझे इतना मसला हो गया था कि गेम का लैग ही नहीं फिक्स कर था। अब फाइनली हो गया है। सिंपल से वो कुछ थे, बस ये वीडियो में जाके तो ये रेजोल्यूशन कम कर लिया, और कुछ करना ही नहीं था। ये तो ठीक है। तो फिलहाल इधर से मैं ये कुछ मुझे सेट कर रहा था अपना क्रॉस हेयर, तो क्रॉस हेयर सेट कर लिया क्योंकि मुझे नज़र ही ना आई गेम में ये क्या हुआ है। तो इधर से भी आप कुछ सेट कर सकते हैं, इस डेड बॉडीज को डिसअपेयर को कर सकते हैं। 100 कितने जीरो लगाने हैं ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लेयर डेकल लिमिट, इसका मुझे भी नहीं पता। मैक्स शेल्स, मैक्स स्मोक्स पफ्स, इसको भी कर लेते हैं 10। कम से कम सारा कुछ कर लेंगे 10। और स्मोक वर्स्ट लुकिंग कर लेते हैं राइट 10। ये सब कुछ ठीक है। सेंटर प्लेयर नेम ऑटोमेटिकली रेडार ट्रांसपेरेंट सॉलिड, ओके जी, ये सेटिंग हो गई। स्प्रे पेंट नाम वगैरह जी, कीबोर्ड की सेटिंग की भी यही लाना नहीं चाहता। ऑटो एम ये ऑफ क्यों था? तो सेंसिटिविटी वैसे ठीक ही थी यार, चेंज कर लिया, गलती हो गई है। यूज़ माउस टू लुक अराउंड, ठीक है। तो ऑडियो, हाँ साउंड क्वालिटी लो भी कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी भी हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी गेम लैग हो रही है तो। ये रेजोल्यूशन, ये जो सेटिंग है ये बेस्ट है, ये ब्राइटनेस और गामा से फ़र्क नहीं पड़ता। ये विंडो में चलाएंगे लैग और कम होगा, लेकिन विंडो में हमें खेलना नहीं है, हमें फुल स्क्रीन में खेलना है। तो डिस्प्ले मोड को वाइड स्क्रीन नहीं रखना है क्योंकि उससे रेजोल्यूशन चेंज हो जाती है। रेजोल्यूशन फिर ये इस पे आ जाती है, ये मैक्सिमम में इस पे रिकॉर्डर के साथ लैग करता है मेरा, बगैर रिकॉर्डर का तो नहीं करता। आप लोगों का शायद ना करे, वाइड स्क्रीन रख लो चल जाएगा। कलर क्वालिटी आपकी मर्ज़ी है, 32 बिट अच्छी है, 16 बिट ज़्यादा है। तो लैग फिक्स करने के लिए मैंने ये रखी हुई है सारा कुछ, आप देख ही सकते हैं। तो बस इसको ओके कर लेते हैं। चलो अब गेम शुरू करते हैं। तो फिलहाल मेरा जो सबसे अच्छा मैप है, मतलब कि अच्छा से मुराद के जो मुझे अच्छा लगता है, तो वो ये 2x2 डस्ट, 2x2 जो भी है वो इसमें हम सेट कर लेते हैं। टाइम पर मैप को छोड़ो, राउंड लिमिट भी छोड़ो, तो 10 मिनट का राउंड रख लेते हैं। फ्रीज टाइम 0, बाय टाइम अगर हम 1 कर लें, वो ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कर लिया है। चलो देखते हैं, पैसे कमा लेंगे खेल के। टेररिस्ट, आई लाइक टेररिस्ट बीइंग। अच्छा मैं लीड करूँ, मुझे सर बोला इसने, सच में मैं इस काबिल हूँ, मुझे सर बोला जाए। क्रॉस हेयर छोटा है लेकिन चलेगा, वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट ऑन किया हुआ था ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। अब सॉलिड है, सॉलिड। तो डेजर्ट ईगल का मुझे कुछ नहीं पता कैसे होगा, क्या वो, उसको 2 बंदे मिल गए शायद। हाँ एक ने उसको मार भी दिया, वो बॉम्ब पे कैंप कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि बॉट नहीं है लेकिन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट बॉट्स हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं थोड़े कंसोल कमांड भी दिखाऊंगा। दूसरा के हेडफोन्स का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा होता है, एडवांटेज है। हीरो बनता हूँ मैं, आगे आते हैं। असल में आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, ये लें आवाज़ थोड़ी कम कर लेते हैं, ये लें। तो हेडफोन इस्तेमाल इसलिए करने को कह रहा था मैं क्योंकि फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है जब एनिमी पास होते हैं ना, वो आ रहे होते हैं, इस तरह ये भी पता चलता है। अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का हेडफोन हो तो पता भी चलता है कि किस तरफ से बंदा आ रहा है। जैसे इसका मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं बात कर रहा था, हीरो खिलाड़ा हूँ वही, क्या समझा हुआ है। बस F1 दबाओ, ऑटो बाई हो जाएगा। AK-1 ऑफ दी बेस्ट गन है मेरे हिसाब से, तो बेस्ट ही है। डैमेज, फायर रेट, बस रिकॉइल बहुत ज़्यादा है इसका स्प्रेड, लेकिन बाकी सबका कम ही नहीं है। अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल करना है तो SMG ले लो, लेकिन डैमेज फायर दिया, फायर करता है ही। देखो जैसे इसने SMG चलाई है ना,
बॉट्स के सामने कौन मुकाबला कर सकता है, लेकिन बॉट का एम जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन फिर उसकी डैमेज कम था इसलिए मैं बच गया, इसलिए मैंने पहले मार दी। देखो उसने फायरिंग में मुझसे पहले शुरू की थी, तो ये एक एडवांटेज होता है असल राइफल्स का। तो असल राइफल्स की फिर स्टेबिलिटी कम होती है, तो दूर से मारने के लिए भी बेस्ट होती हैं। अगर आप ठक ठक टैप टैप करके फायर करें तो अच्छा प्लेयर हो गया हूँ मैं। तो कमांड्स में वो कुछ करता हूँ, ठहर रहा है, इस राउंड के बाद लगाता हूँ, मैं तो रानी लगाता हूँ, देखता हूँ एक कमांड लगाऊंगा ना याद आ जाएंगे, क्योंकि भूल भी जाता हूँ मैं। कैंपर्स के लिए देखना पड़ता है, अगर आपको कैंपर से बचना है, मतलब कि अगर कैंपर नहीं मिलते ना, बचने का कोई तरीका नहीं है, मारना ही पड़ेगा। कैंपर्स नहीं मिलते तो आप बम प्लांट कर लो, क्योंकि वो आगे कहीं गए होंगे तो एकदम दौड़ते हो। रेस्ट करो, बॉट्स को कभी पता भी होता है वो किधर गए। चलो आपको मार लगाते हैं, SV एयर ACC एक्सेलरेट आ भी गया। एयर एक्सेलरेट को अपने माइनस में रखना है, जैसे मैं रख लेता हूँ -30। ये करने के बाद एंटर कर लेना है, फिर आपको जंप करना है, जंप करके आगे जाना है, पीछे वाला दबाना है, पीछे जाना आगे वाला दबाना है। हैकर, लेकिन यहाँ पे अगर आप गिरते हैं ना किसी जगह से तो ज़्यादा फॉल डैमेज होगा मेरे ख्याल से। कर देखा कैसे गया हूँ फायदा, लेकिन इस पे फॉल डैमेज भी हो सकता है। ये बॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं और ये आप ऑनलाइन नहीं यूज़ कर सकते। किधर है वो लोग, लगता है बॉम्ब प्लांट कर लें तो बस आ जाएंगे। और बॉट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉट्स को इसको यूज़ करना आता नहीं है, ऐसे वो चल के ही आएंगे, फिक्र ही ना करें, हैक आपके पास ही है। तो इसमें ओ गिर के मर गया हूँ, हवा में मारा है एक तो इसने, बॉट हवा में मार सकते हैं, इस्तेमाल करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और बॉट ये देखे फंस भी जाते हैं जंप कर करके, तो बॉम ही फट जाएगा मेरे ख्याल से ना, बॉम फट जाएगा। हम जीत गए, हम जीत गए। तो चलते हैं फिर से, पिछली बार तो मैं मर गया था, सीधा एड्रीम। एक मिनट, एक बार आपको ये एम में ले लेना, उसके बाद आप हिलते रहो या जो मर्जी करते रहो, आप इनके एम से नहीं बचोगे। जिगल काम करने चक्कर तो